वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं अपनी बचपन की जगह जीजा मरकज आया हूँ और यहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। तो अभी आपको मैं थोड़ी सी हाईलाइट सिखा देता हूँ, इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ करता था, मैं किसा मेरा बचपन गुजरा। ये जीजा मरकज का जो मेन सिटिंग पॉइंट है, तो ये यहाँ देख लें, ये खूबसूरत है। वो सामने मस्जिद है और लोग यहाँ पे जो है बैठते हैं, रिफ्रेशमेंट करते हैं। इसके अलावा भी ज़रा मैं जब पासपोर्ट ऑफिस आया हूँ, तो यहाँ से मैं वापस आने के बाद फिर मैं आपसे ज़रा चला फर्दर डिटेल बात करता हूँ। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद अजीम दिया, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तकरीर पेश की।
अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही प्यारा शेर है, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक बिना होगी दास्तानों में। सदर जीवाकार इकबाल ही ने मुसलमानों में अलग वतन की लगन पैदा की। इस मंजिल के उसूल के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम रहनुमा की कयादत कायम हुई। कारी आजम ने इकबाल की इस फिक्री तस्वर को निशाने निशाने मंजिल बनाकर मुसलमानों के लिए अलग रियासत के उसूल का कारनामा सर अंजाम दिया। जनाबे सदर आपको नौजवानों से बहुत उम्मीदें थी। आप चाहते थे कि नौजवान आगे बढ़े और मिल्लत इस्लामिया के लिए कुछ करें। आपने फरमाया जवानों को मेरी आए शहर दे, जवानों को मेरी आए शहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल कर दे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह ये थे शानवा जिन्होंने अपने अच्छे ख्याल का इजहार किया। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरे सिर्फ इश्क के खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहे। मैं उर्दू तकरीर के लिए दावत देता हूँ अब्दुल रहमान भाई को कि वो आए और उर्दू तकरीर पेश करें। अच्छा तो अटेंडेंस लेते हैं। मदनी, यस सर। काशिफ हुसैन, विलायत हुसैन सर। और कबीर अहमद, नवीद अहमद, फजलदीन। बच्चों कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो लेकर आए हो? यस सर। मदनी तुम खड़े हो जाओ, होमवर्क किया है? क्यों नहीं किया है? बत्ती जला लेते? माचिस नहीं थे। माचिस क्यों नहीं था? मस्जिद में रखे। मस्जिद से ले आते? नया नहीं था। क्यों नहीं आया था? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही। मोटर क्यों नहीं चल रही? कितने बार समझाया कि लाइट नहीं थी। बैठ जाओ ना लाइट। शेर कभी तुम खड़े हो जाओ। अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ अकल हो तो तुम किसको चुनोगे? नालायक अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अकल को चुनता। जिसको जो चीज जरूरत है वही उठा देता है। बैठ जाओ नालायक। फिलहाल तुम खड़े हो जाओ। दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाले चिड़िया का नाम बताओ। नालायक तुम्हारे बाबा क्या काम करते? शाबाश चिड़िया। हाथी लिखो बेटा, हाथी। फजलदीन तुम खड़े हो जाओ। दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? कौन कौन से नाम बताओ। शाबाश। 1876 में क्या हुआ था? और 1879 में मैंने ये पढ़ाया था तुम्हें। नालायक बैठ जाओ। नवीन तुम खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा इसकी इंग्लिश करो। बच्चों जो अपनी बात किसी को समझा ना सके उसे गधा कहते हैं। क्या सर समझ रही है? बैठ जाओ नारायण। बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है। मिलाए तुम खड़े हो जाओ। मैंने क्या बोला अभी? दिल्ली में कुतुब मीनार है। बैठ जाओ नारायण। मदनी तुम खड़े हो जाओ। ये आपकी क्लास में सबसे ज़हीन बच्चा है। अब मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना होगा तुम्हें। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या फर्क है? इंपोर्ट का मतलब है बिलावल भुट्टो और एक्सपोर्ट का मतलब है मरियम मोरा। नालायक छोड़ सवाल का जवाब दो। अब हमें कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें सबक मिले।
जब मैंने उसको फोन किया उसे नहीं उठाया, जब इसने मुझे फोन किया तो मैंने भी नहीं उठाया। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें सबक मिलता है कि जैसे कि मैं वैसे बनूं। कुछ नया करो, मरने के बाद इब्राहिम तुमसे पूछेगा कि तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे, तुम क्या बोलोगे? नालायक फेंक जाओ, नालायक को आज मैं तुम सबको ऐसा समझ दूंगा कि तुम सब याद रखोगे। खुदा हाय प्रेम करने वाला है मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुमको दया तो मंजिल तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए और शीशा सदस्य ग्राम साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे पूर्व का तकलीफ है जिस मौजूद आला को शर्त संगीत तकलीफ हुई है वो है नौन अक्सर अलामा मोहम्मद इकबाल सदरे आलिम साहब। अल्लाह ताला जब की कौन पर एहसान करना चाहता है तो अलामा इकबाल जैसा मतलब अंदर अजीम मुफक्कर और सभी रजा करता है। इकबाल जैसी हस्तियां मैं हजारों सालों बाद पैदा करती हैं। अलामा इकबाल रहमत हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रहती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। चले दीदार दिल और दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को किया हसने अदा।